वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कृतिमा महाजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट इज मैथ, पार्ट 2, लेसन नंबर 10, इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? दे मे बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द लेफ्ट एंड राइट hand side, such an expression of equality is called an equation. Let's find it. हम देखेंगे कि equation मतलब क्या। First of all, example देती हूँ मैं आपको, 3 + 5 = 8। For example क्या है, 3 + 5 = 8, comma 12 - 4 = अगेन 8। 3 + 5 = 8 आंसर आता है, और 12 - 4 किया तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। अगर हमने 24 / 3 किया तो आंसर आएगा 8। डू यू अंडरस्टैंड? एंड अगर हमने 4 × 2 किया तो आंसर आएगा 8। फॉर एग्जाम्पल ये प्लस का, माइनस का, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। 3 + 5 = 8, 12 - 4 = 8, 24 / 3 = 8 एंड 4 × 8। सो आंसर 8 इज कॉमन, आंसर 8 इज कॉमन। तो हम वी कैन ऑल्सो राइट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 + 5 = 12 - 4 = 24 / 3 = 4 × 2। ये इसकी कीमत यही वही कीमत इसकी भी है, क्योंकि इसका आंसर भी आएगा 8। इक्वल टू 24 / 3, इसका भी आंसर आएगा 8। तो ये जो हम इक्वल का साइन देते हैं और वो इक्वालिटी अगर हम नापते हैं, हमने ये नापी जैसे कि एडिशन का आंसर आया 8, यहाँ पे 8 8 8, ये क्या हुआ, इक्वल हुए सारे के सारे, और इसलिए उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ इफ देयर आर इक्वल वेट्स इन बोथ पैंस ऑफ अ वेगिंग स्केल देन द स्केल इज बैलेंस्ड, सच अ बैलेंस स्केल इज एन इक्वेशन। देखो हमें बैलेंस पता है, तो बैलेंस का हम अगर कोई चीज नापते हैं, इस तरफ 1 किलोग्राम रखते हैं या इस तरफ कुछ चीज रखते हैं, बाजार में जाते हैं या दुकान में जाते हैं कुछ लेने के लिए, तो हम वेगिंग करते हैं, नापते हैं। तो अगर यहाँ पे किलोग्राम का एक स्केल रखा है और यहाँ पे कुछ सब्जी रखी है, तो ये अगर दोनों साइड बराबर के आ जाएंगे यहाँ पे, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा, और उसे क्या कहते हैं, उस स्केल को इक्वेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 26। Different mathematical operations are given in the two rows below. Find out the number you get in each operation and make equation. यहाँ पे कुछ दो रोज में कुछ ऑपरेशंस दिए हैं, पहले हमें उनका आंसर निकालेंगे हम हमारी जानकारी के लिए, और उसके बाद उसे इक्वेशंस में अरेंज कर लेंगे। 16 / 2 आंसर आता है 8, 5 × 2 आंसर आता है 10, 9 + 4 आंसर आता है 13, 72 / 3 आंसर आता है 24, 4 + 5 आंसर आता है 9। ये हुआ पहला रो। अब सेकेंड रो में देखेंगे, 8 × 3 आंसर आया 24। देखो ये 24 और ये 24, यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये क्या है, सेम है। समझ में आया?
कौन सा 72 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3। यह हमारा पहला इक्वेशन है। अब दूसरा 19 माइनस 10 इक्वल टू 9। हियर 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। सो 4 प्लस 5 इक्वल टू 19 माइनस 10। नेक्स्ट थर्ड लेंगे 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 और हियर 16 डिवाइडेड बाय 2 ऑल्सो 8। सो 10 माइनस 2 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2। और फोर नंबर का 37 माइनस 27 इक्वल टू 10 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10। सो 37 माइनस 27 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2। फिफ्थ नंबर का लेंगे 6 प्लस 7 इक्वल टू 13 और 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। डू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इस तरह हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट था पार्ट टू में और बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट था। आपको ये अपने नोटबुक में सॉल्व करके लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।